Hello friends, this is Gail Nirbhay God once again before you. Friends, I often pray in temples so that my students get job soon. I also thank God who has given me much more than I deserve. And here I am before you with one more good news. Here is a Hindi newspaper, Nayi Duniya. Aur doston, is newspaper mein aaj ek khabar aayi hai jo main aapko padh ke sunata hu. स्टेनोग्राफर परीक्षा के नतीजे घोषित, 8 को मिली कामयाबी। बुधवार को स्टेनोग्राफर परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, जिसमें शुप्री के 8 छात्राओं ने सफलता हासिल की सी व डी ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए। गेल एकेडमी के संचालक निर्भय गौड़ ने बताया कि एकेडमी में पढ़ रहे 8 स्टूडेंट्स का एसएससी की सी व डी ग्रेड स्टेनोग्राफर परीक्षा में चयन हुआ है। इनमें शिवानी गुप्ता, हिमांशी अग्रवाल, अजीत जैन, तौफीक खान, मनोज परिहार, दीपेश जैन और अतुल रावत और मनोज कुमार लोधी इत्यादि शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मिलियन थैंक्स टू नई दुनिया टीम, स्पेशली टू ऑनरेबल विपिन शुक्ला जी फॉर दिस ब्रिलियंट कवरेज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और दोस्तों, इस सफलता का पूरा श्रेय, द एंटायर क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस गोज टू दीज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु वर्क वेरी हार्ड। एज वी नो, सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड ओनली 1% इंस्पिरेशन ऑफ द टीचर, दैट इज ऑफ माइन। एंड अकॉर्डिंग टू मी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट देयर इज अ न्यूज़पेपर। Dear students, in today's competitive examinations, some logic-based questions are asked, some concept-based questions are asked, and unless you read English newspaper, unless you improve your English vocabulary, unless you improve your comprehension power, you can never get through these exams. इसलिए मैं कई बार आपको यह सलाह दे चुका कि रोज कम से कम 1 घंटे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी हैबिट बनाएं, ताकि आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकें, ताकि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन पावर को बढ़ा सकें, ताकि आपको लॉजिक बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में समझ में आ सकें और आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। क्योंकि ग्रामर पढ़ना, रूल्स पढ़ना, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, ये कोई भी कर सकता है, बट लॉजिक पकड़ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जब तक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं करते हैं रोज, आपका कॉम्प्रिहेंशन नहीं बढ़ता है। और यदि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर स्ट्रांग नहीं है और आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास गन है परंतु बुलेट्स नहीं है। इसलिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग करते रहिए और इसके लिए मेहनत करते रहिए, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि आप टीचर और अपने मेंटर की किसी भी बात की उपेक्षा करते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान होता है। वसीम बरेलवी, द रेनोन शायर का मुझे एक शेर यहाँ पर याद आता है कि आप बस एक किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस एक किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इट्स ऑलवेज ऑसम बीइंग विद यू।